Hi everyone welcome to my channel today i'm going to review this wishcare sunscreen this is wishcare invisible gel sunscreen spf 50 pa+++ this is broad spectrum एंटीऑक्सीडेंट रिच ब्लू लाइट प्रोटेक्शन वन परसेंट हाइलोरानिक एसिड नैसेनाइड एंड सेरामाइड दिस इज़ नो वाइट कास्ट सनस्क्रीन एंड फोर नाइन्टी नाइन रुपीज़ में यू विल गेट फिफ्टी ग्राम ऑफ प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट पर मिल जाएगा आप मेरा लिंक अमेजोन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा या फिर आप कहीं से भी ऑफर में लीजिएगा क्योंकि यूजअली इस प्रोडक्ट पर ऑफर होता है लाइक इधर फिफ्टी परसेंट और बाय वन गेट वन और थर्टी परसेंट सो दिस इज़ माई नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो सो so, uh, इसका टेक्सचर बात कर लेते हैं इट्स वेरी थिक क्रीमी टेक्सचर एज यू कैन सी इट्स वेरी वेरी थिक टेक्सचर वेरी थिक सी वेरी थिक एंड स्किन में इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता है बहुत टाइम लगाता है स्किन में एब्जॉर्ब होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है वेट सी दिस इज द टेक्सचर एंड इट्स नॉट जेल इस पर लिखा हुआ है इट इज़ इनविजिबल जेल बट इट्स नॉट जेल टेक्स्चर इट्स थिक क्रीमी टेक्स्र जो अप्लाई करने में स्किन पे व्हाइट uh, कास्ट नहीं देता एज यू कैन सी बट थोड़ा सा टाइम लेता है स्किन में अब्जॉर्व होने में आइज पे बिल्कुल भी सेंसेशन नहीं होता बर्निंग सेंसेशन नहीं है फेस पे बिल्कुल बर्निंग सेंसेशन नहीं है एंड इस पर लिखा हुआ है दिस इज फॉर सुटेबल फॉर ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव स्किन इट मीन्स सारे स्किन वाले ट्राई कर सकते हैं इसको एंड अप्लाई कैसे करना है बाहर निकलने से पंद्रह मिनट पहले अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र सीरम सारा अप्लाई करके लास्ट आपका सनस्क्रीन होगा सो सनस्क्रीन अप्लाई करके आप तुरंत बाहर नहीं निकलेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे फिर बाहर जाएंगे इस पर जो इन्ग्रीडियंट्स हैं इट हैज़ वेरी गुड इनग्रीडियंट्स लाइक इट हैज़ स्क्वालिन ग्लिसन सेरामाइड एन पी ए पी एन ओ पी एंड इट हैज़ ग्रीन टी इट हैज़ हेलोरॉनिक एसिड शिया बटर कोकोनट एक्सट्रैक्ट कोकोआ बटर रैसबेरी एक्सट्रैक्ट सो दिस प्रोडक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स ऑक्लूसिव एंड ह्यूमाटेंट सो बिल्कुल पैक है and, uh, दिस इज हाइब्रिड सनस्क्रीन सो इसमें तीनो सॉब एस एम uh, और टाइटेनियम डाईऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड यूज़ किया गया है सो so जो आपको यू वी एंड यू वी बी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेगा uh, और ये ब्लू लाइट प्रोटेक्शन है सो so ये जो सनस्क्रीन है ना प्रोटेक्शन वाइज इट्स वेरी गुड बहुत अच्छे से स्किन को प्रोटेक्ट करता है सनलाइट से कोई ब्लैक 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 नहीं होता है uh, जैसे बहुत सारे सनस्क्रीन होता है अप्लाई करके स्किन ब्लैक हो जाता है थोड़ा तो सा डल हो जाता है नहीं वैसा कुछ भी नहीं है ना ब्लैक होता है ना डल होता है ना व्हाइट कास्ट देता है कुछ भी नहीं देता आपका स्किन जैसा है वैसा रहेगा बट मुझे ऐसा लगता है कि समर के लिए थोड़ा सा थिक टेक्स्चर है मुझे जितना ज्यादा वाटरी जेल बेस या लाइट टेक्स्चर का प्रोडक्ट आप समर में यूज करना चाहेंगे बट बट दिस इज नॉट द लाइट वेट टेक्स्र थोड़ा सा थिक है एंड जिनका एक्टिव एक्ने है बिल्कुल ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वाले इसको अवॉइड करेंगे बिकॉज इसमें शेया बटर है कोकोआ बटर है और कोकोनट ऑयल है तो आप पैच टेस्ट जरूर करिएगा अप्लाई करने से पहले क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्टिव एक्नेस होते हैं ना उन उनके लिए थोड़ा सा रिस्की है ये इंग्रेडिएंट्स सो ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट मुझे काफ़ी सही लगा अप्लाई करके और um, Um, I would give seven out of ten. Seven because of the texture consistency. टेक्शर इतना ज़्यादा था क्या ना तो आपको बहुत सारा product चाहिए होता है face पे apply uh, करने के लिए So बहुत जल्दी ख़त्म हो गया It's been almost fifteen days only. And मुझे ऐसा लगता है आधा से भी कम tube बचा है मुझे use करने के लिए So hardly hardly एक महीने चलेगा ये product. So डेज माई रिव्यू बट मैं एवरी डे यूज़ करती हूँ घर पर रहती हूँ तो सिर्फ़ एक बार और बाहर जाती हूँ तो दो बार सो so, ये मेरा रिव्यू था अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टिल दिन की वॉचिंग बैट आई